हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। भावना की रसोई में आप सभी का स्वागत है। सबके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई सब्ज़ी नहीं होती या फिर हमारी समझ में नहीं आता है कि हम क्या बनाएं कि जो थोड़ा सा अलग हो, टेस्टी हो। तो चलिए आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तो जिसके लिए मैंने 1 कप दही लिया है, 1/3 कप मैंने बेसन लिया है, 1 टमाटर, 1 प्याज और 1 मैंने अदरक लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें जो दही हमने 1 कप लिया है इसे डाल देंगे और डाल के हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। आप इसे हाथों की हेल्प से भी फेंट सकते हैं, मिक्सी के जार की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी अगर आप हाथों से अच्छे से फेंट लें। अब मैंने इसे मिक्सी जार में एक बार चला लिया है और अब हम क्या करेंगे, जो जिस कप से हमने इसे 1 कप दही लिया था उसी कप में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे, 1/2 कप, और थोड़ा सा हम इसमें बचा लेंगे, करीब 1/3 कप हम इसमें बचा लेंगे। और जो अपने हमने 1/3 कप बेसन लिया था उसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे एक बार फिर से चला लेंगे। ये प्रोसेस भी आप हाथों की हेल्प से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो हमने इसमें उसी कप से 1 कप पानी डाल दिया है जिस कप से बेसन लिया था, इसे एक बार और चला लेंगे। अब हम बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। तो जो हमने प्याज टमाटर वगैरह लिया था इन सभी को हम चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो चॉपर की हेल्प से भी इसे चॉप कर सकते हैं या फिर चाकू की हेल्प से इस तरीके से रफली कट्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी को काट लिया है। इसी तरीके से हमने अदरक भी कट कर लिए। अब हम गैस ऑन कर देंगे, गैस पे अब हम कढ़ाई चढ़ा देंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून करीब ऑयल लिया है। आपको जिस तरीके से ऑयल पसंद हो आप ले लीजिए। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप मसाले की ऑयल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। मैंने तेल में 1 तेज़पत्ता, कुछ काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। इन सभी को रोस्ट होने के बाद फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे कटी हुई और इसे भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अब प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो अब हम इसमें अदरक डाल देंगे, जो हमने अदरक कट करके रखी थी। सभी सब्जियों को इसी तरीके से 1 बाय 1 हमें रोस्ट करते रहना है। टमाटर हमें सबसे लास्ट में डालना है, इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। तो जिसके लिए मैंने जो दही लिया था इसमें हम सारे मसाले, जो भी बेसिक मसाले होते हैं, अदर मसाला हमें कोई भी यूज़ नहीं करना है। बस हाँ, अगर आप डालना चाहें तो कसूरी मेथी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने नमक डाला है स्वाद के अनुसार, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और करीब 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है और थोड़ा सा मैंने इसमें सब्जी मसाला डाल दिया है। आप चाहे तो गरम मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने खड़े मसाले डाले हैं इसलिए गर्म मसाला नहीं डाला है। इन सभी को अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे, इसी दही में अच्छे से फेंट लेंगे। और टमाटर भी लगभग हमारे अब गल चुके हैं तो क्या करेंगे, ये जो मसाला हमने बन तैयार किया है इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। और इस समय हमें गैस की फ्लेम लो कर देनी है जिससे दही है तो फटे ना, और तुरंत इसको चलाना है तो करीब 2 से 3 मिनट हमें इसे इसी तरीके से चलाना है। बहुत ही बढ़िया सब्जी बन के तैयार होती है। अब जो हमने दही में बेसन को फेंट के रखा हुआ था उसको हम मसाले पकने के बाद इस तरीके से ऊपर से डाल देंगे और करीब 5 से 7 मिनट तक हम इसे ढक के रख देंगे। फिर हम इसे बीच में एक बार चेक करेंगे तो इस तरीके से जो बेसन है वो जम जाता है तो ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। थोड़ा सा मैंने इसमें नीचे चिपक गया था तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे ग्रेवी पतली भी हो जाए और नीचे जो चिपक जाता है ना वो छूट भी जाए।
अब इसे हम 5 मिनट के लिए फिर ढक के रख देंगे। 5 मिनट बाद चेक करेंगे तो देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी हो चुकी है ये। अब इसे हम इस तरीके से उलट पुलट के चला लेंगे और जो नीचे चिपक जाता है ना, इसे हम करछी की हेल्प से धीरे धीरे निकाल लेंगे। आप अगर चाहें तो इसमें पकौड़ियाँ भी डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं फ्राई करके, या फिर आप डालें तो चाहे तो इसमें ऊपर से सेव वाली नमकीन डाल सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं डाला है अदर्स बिल्कुल। और ये हमारी सिंपल सी बेसन की भुर्जी कह सकते हैं, बेसन की ग्रेवी कह सकते हैं, बनके रेडी हो गई है। बहुत ही खाने में सच में बहुत टेस्टी है। इसे तो आज बच्चों ने भी खा लिया बहुत मन से कि मम्मा बहुत अच्छी बनी है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें एक बार। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।